युधिष्ठिर ने पूछा, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका फल क्या होता है, मेरे को जानने की इच्छा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो तो विजय दिलाने वाली एकादशी है, सफलता दिलाने वाली, इसलिए उसका नाम है विजया एकादशी। जिसको किसी काम में, बड़े काम में विजय होना है, उसको ये एकादशी का व्रत सफलता दिला पाए चाहे, तो इसका नाम है विजया एकादशी। और युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, एक बार नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि जो भक्त विफल हो जाते अथवा जिनके जीवन में निराशा हो जाती है, उनको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद, जो विजया एकादशी का व्रत करेगा, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करेगा, उसका दीनता हीनता और कार्य में कठिनता वो सब दूर करने का उसका मनोबल भी बढ़ेगा, बुद्धि बल भी बढ़ेगा और प्रकृति सफलता करती। नारद ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी हमारी जो कथा है वो कोई भी सुनेगा तो उसको वाजपेयी यज्ञ करने का फल हो। तो ये विजया एकादशी के विषय में, एक बार भगवान राम जब रावण सीता को अपहरण करके गया और पता चला कि वो समुद्र पार है, तो समुद्र को कैसे लांगेंगे, तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु यहां से आधा योजन मतलब 8 किलोमीटर अंदाजे दूरी पर जंगल में एक संत रहते, अपन उधर चलते। तो राम और लक्ष्मण बदलाक ऋषि के आश्रम में गए, तो ऋषि ने नाम तो सुन रखा था, तो ऋषि तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज दशरथ नंदन श्री राम हमारे पास आए। राम जी ने ऋषि का स्वागत किया, ऋषि ने राम जी का सत्कार किया। आने का कारण पूछा कि श्री राम तुम कैसे आए। तो मेरे को रावण पर विजय पाने का उपाय आप बता सकते तुम। तो ऋषि ने कहा बगदाल मुनि ने कि अभी विजया एकादशी आने वाली है, आप विजया एकादशी के एक दिन पहले दशम के दिन संकल्प करो कि कल मुझे विजय के लिए विजया एकादशी का व्रत करना है, दशम के दिन कम खाना। एकादशी का व्रत पापों को और रोगों को नाश करता है और साफल्य देता है। ऐसे हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, सब एकादशियों का अपना अपना प्रभाव है। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत और भगवत ध्यान और जप करने से आदमी किसी भी क्षेत्र में चाहता है तो वो सफल होता है।